हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज हम सीखेंगे गूगल शीट पर सेल एड्रेस के बारे में। तो सेल एड्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसके पहले एक्सेल में भी सेल एड्रेस के बारे में बताया है, सिखाया है, तो गूगल शीट में सेल एड्रेस क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट नेम में मैंने कुछ बुक्स के नाम लिए हुए हैं। सी लैंग्वेज की बुक है, पाइथन, जावा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बुक है, आईटी टूल्स की बुक है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बुक है। तो ये सारी बुक्स हैं, इनकी कॉस्ट लिखी हुई है, कीमत कितनी है वो लिखी हुई है और यहाँ यूनिट लिखी हुई है। हमें यहाँ टोटल कैलकुलेट करना और टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। टैक्स यहाँ साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो सेल रेफरेंस है उसके भी बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूनिट में ये डॉलर लगा हुआ आ गया है। ये डॉलर हटेगा कहां से? तो देखिए, इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ फॉर्मेट पे जाना है और फॉर्मेट पे जाकर ये नंबर जो दिख रहा है यहाँ पर जाइए आप और इन सबको पहले बना दीजिए आप नंबर, ठीक है। तो आप इसको भी सिलेक्शन में ले लीजिए, देन ये नंबर हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, ठीक है। फॉर्मेट पे आए, नंबर पे आए और यहां से इसको नंबर बनाना है, तो ये नंबर बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इज इक्वल टू से कोई भी फॉर्मूला शुरू होगा, ये तो पता ही आपको, पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। आप चाहे तो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ एफ एक्स पे क्लिक करके भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं कॉस्ट को। यहां से कॉस्ट को सेलेक्ट किया हमने तो उसका सेल एड्रेस आ गया है, सेल रेफरेंस आ गया है इनटू। अब हमें क्या करना है, यूनिट को सेलेक्ट करना है, तो ये यूनिट सेलेक्ट किया हमने और एंटर प्रेस किया, तो यहां इसका टोटल कॉस्ट जो है आ चुका है। आप देख सकते हैं डबल क्लिक करेंगे इन सबका आ जाएगा, बहुत ही आसान है। टैक्स यहाँ साइड में लिखा हुआ है 6.67%। तो अभी हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। इज इक्वल टू का निशान लगाया हमने, ठीक है। अब यहां देखिए, बाय डिफॉल्ट यहां C3 से D3 आ रहा है, ठीक है। फिलहाल हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है टोटल को, तो टोटल को सेलेक्ट कर लिया। इसका सेल रेफरेंस है D3, यहां पे देख सकते हैं D3 में है ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये D3 है। ये देखिए D कॉलम है और 1, 2 एंड 3, 3 रो है, यहां पे देख सकते हैं ये रो है, तो D3 ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इनटू का साइन लगाना है, ठीक है, लगा दिया। अब क्या करना है, यहां पे हमें जो टैक्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा टोटल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ टोटल आ गया है। देखिए ये टैक्स अमाउंट हमारा कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। अब डबल क्लिक करते हैं इस पे तो सबका आ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता है। कारण क्या है इसका, कि यहां पर देखिए इसका जो सेल एड्रेस है वो क्या है, H, यहां पे देखिए H7 है, सॉरी, ठीक है। तो H7 जो है इसका सेल एड्रेस है और यहां पर क्या है, आइए देखते हैं। यहां F2 प्रेस करता हूं फंक्शन बटन, तो यहां पे ये हाईलाइट होकर आ जाएगा कि ये कौन सा सेल एड्रेस है। तो D3 तो ठीक है, D3 यानी D कॉलम 1, 2, 3, ये तो सही है। H7 यानी ये यहां पर तो सही है। एंटर जैसे ही प्रेस करता हूं नीचे आता हूं, अब देखिए मैं F2 प्रेस कर रहा हूं, अब यहां पे देख सकते हैं आप ये D4 हो गया है। तो D4 तो ठीक है, ये 2800 पहले था, फिर अब 2000 पे कैलकुलेट होना चाहिए, तो ये D4 तो सही है। यहां पर H8 हो गया है और H8 में क्या है, यहां पे देखिए H8 में क्या है बेटा, H8 में है 0, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब 0 से उसे कर देगा ये मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई यहां पे 0 आ रहा है। इसी तरह से नीचे जब हम आते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसको भी मैं F2 करके दिखाता हूं आपको, यहां H9 है, ये देखिए सिलेक्शन में आ गया है H9। D5 तो सही है लेकिन H9 जो है ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया है। इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए कुल मिला के 3 प्रकार के सेल एड्रेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है रिलेटिव, दूसरा होता है मिक्स्ड, होता है एब्सोल्यूट, ओके। अब तीनों का एग्जांपल क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इसको यहां से विड्थ बढ़ा लेता हूं इसकी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सेल एड्रेस है हमारा वो क्या है, H7 है। तो अगर सिर्फ मैं H7 अगर यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां H7, ठीक है, तो H7 लिखा तो ये हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। कुछ भी फिक्स नहीं है, फिक्स कैसे होता है, डॉलर लगाने से, मैं दिखाता हूं आपको। अब देखिए मिक्स्ड सेल रेफरेंस में या मिक्स्ड सेल एड्रेस में क्या होता है, या तो रो या तो कॉलम, दोनों में से कोई एक ही फिक्स होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां H7, या तो रो या तो कॉलम, अब देखिए कॉलम कौन सा है रो कौन सा है आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए ये जो ABCD जो लिखा हुआ है ना, ये सारे कॉलम्स हैं। देखिए ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है। अब रो कौन सा है, ये ए रो है, 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है, इसे हम रो बोलते हैं, ठीक है।
तो या तो रो या तो कॉलम दोनों में से किसी एक के पहले अगर डॉलर लगता है, डॉलर, ठीक है। अब ये डॉलर का भी चक्कर बड़ा खतरनाक है, देखिए यहां पे अगर मैं डॉलर लगा देता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। अब मिक्स्ड में दोनों हो सकता है, या तो रो के पहले डॉलर लगा हो या तो कॉलम के पहले, तो अभी पहले मैं कॉलम के पहले मैंने लगाया है, अब मैं रो के पहले लगा रहा हूं, तो ये लगा दिया मैंने डॉलर, तो आप देख सकते हैं यहां पे रो के पहले डॉलर आया है, यानी 7 के पहले डॉलर आया है, यहां कॉलम के पहले, तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस कुछ ऐसा है, इसमें या तो रो या तो कॉलम दोनों में से किसी एक के पहले डॉलर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सेल एड्रेस या रेफरेंस, ओके। इतनी बात समझ में आने के बाद आइए एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं। रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लग जाता है तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आई होप कि ये बात आपको आ रही होगी समझ में कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। देखिए यहां पर रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगा हुआ है, ठीक है, तो यही है हमारा सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जरा आप यहां पे देखिए, ये जो हमने लगाया है तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे देखिए आप, यहां पे D3 into H7 है, ठीक है। तो बेटा क्या चेंज हो रहा है यहां पे, देखिए यहां पे H7 है, अगर मैं जैसे ही नीचे आता हूं तो क्या हो जाएगा, ये बन गया D4 into H8। तो ये H8 में क्या चेंज हुआ, रो चेंज हुआ या कॉलम, जी हां बिल्कुल, यहां पर क्या चेंज हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है रो, ठीक है। जैसे यहां पर जब मैं आ रहा हूं तो देखिए ये H7 है, ठीक है, तो H जो है कॉलम है, 7 जो है रो है। अब नीचे जैसे ही आते हैं तो H तो बना हुआ है अपनी जगह पे, लेकिन रो चेंज हो गया, 8 हो गया, तो हमें क्या करना है, रो को फिक्स करना है, यानी 7 को फिक्स करना है। तो क्या करेंगे बेटा, यहां पे हम लगा देंगे डॉलर, ठीक है, यहां लगा दिया हमने डॉलर, एंटर प्रेस करते हैं यहां से, तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है। अब यहां पे डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अब ये सारे जो अमाउंट्स हैं, जो टैक्सेस हैं, वो कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। तो ये हमारा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और एब्सोल्यूट में क्या होगा, हम एच के पहले भी, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, अप टू प्रेस करता हूं मैं, यहां पे देख सकते हैं आप, अभी 7 के पहले यानी रो के ठीक पहले हमने डॉलर लगाया है, कॉलम के पहले भी अगर मैं लगा देता हूं, हालांकि लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कॉलम चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है, यहां भी डॉलर लगा देता मैं, तो क्या हो जाता, ये बन जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अच्छा D3 देखिए, D3 में कहीं भी डॉलर नहीं लगा हुआ है, तो ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि रिलेटिव मिक्स्ड और एब्सोल्यूट होता क्या है। अब समझना है हमको कि इसमें हमें रुपीज का सिंबल इंसर्ट कराना है, कैसे इंसर्ट होगा, इन सब में रुपीज का सिंबल लगाना है हमें, ठीक है। अगर यहां पे क्लिक कर देता हूं सिंपली तो ये तो डॉलर का सिंबल लग जाता है इसमें, लेकिन हम हैं इंडियन तो हमें रुपीज का सिंबल चाहिए, कहां से आएगा वो सिंबल। ये काम करते हैं, यहां पर इस पूरे को सिलेक्शन में रखते हैं, इस पार्ट को हम सिलेक्शन में हमने रख लिया। अब हमें करना क्या है, फॉर्मेट पे क्लिक करना, ये जो फॉर्मेट मेन्यू दिखाई पड़ रहा है यहां पे क्लिक कीजिए, आप नंबर पे जाइए और यहां से नीचे आ जाइए मोर फॉर्मेट्स पे, यहां पे आपको मोर फॉर्मेट्स दिखाई दिया जाएगा और आ जाइए आप मोर करेंसीज पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो डिस्प्ले हो जाएगी आपके सामने, इसमें देखिए इंडियन INR होता है, इंडियन सिंबल करेंसी का, तो इंडियन कहां लिखा हुआ है, इंडिया कहां लिखा हुआ है, आई से हमें सर्च करना है यहां पे, तो देखिए आई, ये देखिए इंडियन रूपी यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और इसी को अप्लाई कर देंगे, इस पे देखिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई किया तो यहां पे देख सकते हैं आप इंडियन करेंसी का सिंबल भी यहां पर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि ये इंडियन करेंसी का सिंबल कैसे लेके आना है और कितने प्रकार के सेल रेफरेंसेस होते हैं गूगल शीट में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।